हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चंबड़ मंडी में हूँ, जो सिंध में एक शहर है चंबड़। इस मंडी में हूँ आज। मैं आज पहली बार इस मंडी में आया हूँ, तो आज इसके भी देखते हैं कि कैसा रेट है। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है, तो यहाँ पर माल जो है ना वो काफ़ी निकल चुका है। फिर भी अभी इनके रेट से हम अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं ये मंडी कैसी है। और माशाल्लाह जानवर मुझे अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी अच्छे है जानवर हैं, तो अभी इनके रेट लेते हैं, ये देखें। चलो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और चंबड़ मंडी के हवाले से भी आप बता दीजिएगा कि चंबड़ मंडी कैसी है। अगर आपने पहली बार ये चंबड़ मंडी देखी है, तो आप हमें इसका ज़रूर जो है ना वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये भाई साहब खड़े हैं, इनसे रेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसका माल है? साईं अस्सलाम वालेकुम, खुश हो साईं? कितने जानवर हैं ये? ये 10 जानवर है। 10 हैं जी। क्या रेट है पुट्ठे का? 30,000 पुट्ठे का। खस्सी हैं, आंडू हैं? खस्सी पे आंडू पे 7 है। अच्छा, अच्छा क्या उम्र है इनकी पता होगा कुछ? 10 महीने खड़े हैं? इसकी उम्र है 5-6 महीने। 5-6 महीने के हैं ये जी। भाई माशाल्लाह वजन में भी अच्छे हैं ये, और नस्ल भी बेहतर है, कद करेगी अपना इंशाल्लाह। और 35,000 का पुट्ठा मांग रहे हैं, तो 30,000 रुपये का पुट्ठा कह रहे हैं ये। अभी मजीद जो लेगा तो इंशाल्लाह और कम भी हो सकता है। मजीद ये खड़े हैं, ये जानवर भी खड़े हैं, तो इनके हवाले से भी हम रेट लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये भी नस्ली बकरे हैं, ये देखें। तो ये भी माशाल्लाह अच्छे बकरे हैं, इनके तो रेट थोड़े से हाई भी हो सकते हैं। ये इनके मालिक खड़े हैं, तो माशाल्लाह पटेरे और गुलाबी ग्रास और कमरी ग्रास, ये बकरे खड़े हैं यहाँ पर। और ये गुलाबी ग्रास भी खड़ा हुआ है, प्योर गुलाबी तो नहीं है ये, राजनपुरी वगैरह के साथ ये मिक्स होगा। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं क्या हाल है? क्या रेट मांग रहे हो इनका? कितने जानवर हैं ये? ये 20 है। 20 जानवर हैं, तो क्या रेट मांग रहे हो इनका? 40। 40,000 रुपए का पुट्ठा। दो दांत हैं या खीरे? खीरे खीरे, पक्के खीरे। अच्छा, इसके दांत दिखाना जरा। इसके हाँ, यहाँ से खीरे भाई, ये देखे बिल्कुल खीरा है अभी। माशाल्लाह वजन भी इनका अच्छा है, सारे खीरे। अच्छा, अपना फोन नंबर है? फोन नंबर जी, फोन नंबर बताओ। नहीं ना, मोबाइल नंबर बता भाई, नंबर बताओ अपना जरा। नंबर लेते हैं 0349 लगा 070 070 45 77। ये बकरे हैं मेरे, ठीक है भाई। भाई नहीं, नंबर पूरा नहीं हुआ है। हाँ भाई, ये माल भी माशाल्लाह देखें, बिल्कुल जबरदस्त। जो कुर्बानी के ऊपर माल कमाना चाहता है, 2022 की कुर्बानी पे माल कमाना चाहता है, तो वो यही बकरे रख सकता है। और पहले तो इन्वेस्ट अच्छा होगा, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, अल्लाह पाक रोजी देने वाला है। तो इससे जो है ना वो माशाल्लाह अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि ये वजन भी गेन करते हैं और कद भी ऊँचा करते हैं। अभी तो इनमें से चंद एक जो है ना वो मुझे आंडू भी दिख रहे हैं, और वैसे ये देखें, ये भी आंडू दिख रहा है, और खस्सी भी है। या अभी खस्सी कर दिया जाए तो तकरीबन 11 महीने पूरे हैं ईद के अंदर, इंशाल्लाह हो सकता है। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं किसके बकरे हैं ये? आपके। साईं क्या रेट मांग रहे हो पुट्ठे का? हैं 40,000 रुपए का पुट्ठा। सर फोन नंबर है आपका? इसकी माई का है। माशाल्लाह ये बकरे भी अच्छी हैं, तो ये भी ये देखें आप, ये भी पटेरे हैं, ये अच्छे बकरे हैं पटेरे। ये भी माशाल्लाह अच्छी नस्ल के हैं, पटेरे बकरे हैं ये। तो ये हैं इन भाई साहब के, काले कपड़े वाले के, तो इससे भी रेट लेते हैं, क्या रेट दे रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम भाई। सही, क्या रेट मांग रहे हो? ये कितने बकरे हैं आपके? सर अपने बकरे 11 बकरे। क्या रेट मांग रहे हो इनका पुट्ठे का? 25,000 का दाम। 25,000 रुपए का एक दाम का हिसाब है, ठीक है। तो इसमें ये कितने महीने के? 6-7 महीने के। 6-7 महीने के ये पूछे हैं जी, ठीक है भाई। और ये वाले वो अपने नहीं,
ये आपके चाचू के मेरे। ये चाचे के, ये भी यही हिसाब है, यही हिसाब है ये भी। अच्छा आपका फोन नंबर? हाँ हाँ दो, क्यों नहीं दोगे? 0305 82 84 84 7 5 5 8 5 7 8 5 7। ठीक है, आखिर के तीन नंबर हैं 8 5 7। ठीक है भाई, माशाल्लाह ये बकरा देखें जबरदस्त, माशाल्लाह ये बकरे चंबड़ मार्केट में अच्छे हैं। इंशाल्लाह अगली बार इधर सुबह जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा और वहां से भी जल्दी पहुंचकर आपको सारी इसकी अपडेट दूंगा और इसके बकरे दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी ये बकरे किसके हैं? साईं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खुश साई, साई पांजा केड़ा चला साई, अस्सलाम वालेकुम। साई कितने हैं? सात दाने। क्या मांग रहे हो? 30,000 का पुट्ठा। सही है, क्या उम्र क्या है इनकी? उम्र खीरे 6 महीने के हैं। 6 महीने खड़ के हैं, ठीक है। चाचा अपने और कितने दाने पड़े हैं? और सात इधर खड़े, सात इधर खड़े और 50 दाना उधर वाड़े पर खड़ा है। वाड़े पर खड़ा हुआ है ना, गुलाबी चला खड़ा है उधर। अच्छा वो बकरे कौन से पटेरे हैं? गुलाबी, अच्छी नस्ल के है ना। अच्छा अपना फोन नंबर बताओ। 0340 0340 23 0 0 21 71। क्या नाम है आपका? अमीर बकश। कहाँ से आए? चंबड़। चंबड़ का ही हो, ठीक है भाई। माशाल्लाह ये बकरे भी अच्छे, चंबड़ मार्केट में माशाल्लाह अच्छे बकरे हैं। और रेट तो जाहिर सी बात है, अभी ये थोड़े धूप के अंदर हैं तो थोड़ी गर्मी लग गई है तो रेट थोड़े से बढ़ गए, रेट को तड़का लग गया है तो। लेकिन माशाल्लाह माल अच्छा है, ये जबरदस्त एक नंबर माल है। ये देखें माशाल्लाह 2022 की कुर्बानी के ऊपर ये माशाल्लाह अच्छा वजन भी करेंगे और कद भी करेंगे। साईं मुझे कौन बताएगा इसके हवाले से? आप बताएंगे। साईं कितने दाने हैं ये? 29 बकरे हैं। ठीक है, 29 बकरे हैं। तो क्या रेट मांग रहे हो इनका पुट्ठे का? 28,000 रुपये का पुट्ठा। 28,000 का पुट्ठा, ठीक है। उम्र क्या है इनकी? तकरीबन 7 महीने है। सात महीने खड़े होंगे। अच्छा अपने फार्म पर हैं बकरे और घर गोठे हैं बकरे? कितने? 60 बकरा खड़ा हुआ है अभी माशाल्लाह। अच्छा अपना फोन नंबर देना। 0304 0304 88 41 41 830 830। क्या नाम है आपका? रियाज भाई। कहाँ से आए? चंबड़ का ही है, चंबड़ शहर के गांव में से आए हो, ठीक है भाई। भाई माशाल्लाह इनके पास भी बकरे अच्छे हैं माशाल्लाह, देखें ये। साईं इंशाल्लाह अक्टूबर में आपसे रब्ता करूंगा मैं, ये 10वें महीने के शुरू में आपसे रब्ता करूंगा, मुझे माल ज्यादा लेना है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, रोजी लग गई तो ठीक है। माशाल्लाह ये छोटे छोटे बकरे भी हैं जो भी 2-2.5-3 महीने के हैं, तो भी इनसे भी ले लेता हूँ। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं किसके बकरे हैं ये? किसके हैं ये? भाई के हैं। चलो भाई आएगा तो फिर भाई से बात कर लेंगे। अभी तो यही बकरे हैं, ये भी माशाल्लाह, ये मेरे ख्याल में मांगेगा कोई 15-16 इसके मांगेगा, लेकिन ये 8-10 के अंदर पूरे 8 के अंदर ये सबका सौदा हो जाएगा पुट्ठे के हिसाब से इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी और भी बकरे हैं, और बकरे ये रहे, ये बकरे हैं तो इनका भी रेट लेता हूँ मैं अभी। इसके में बंदा तो साईं किसके बकरे हैं ये उस्ताद? ये बकरे किसके? पता नहीं है भाई इनको। ये हैं, मैं थोड़ा देर से आया हूँ इधर क्योंकि मेरे घर से ये बहुत दूर है शहर, 2 गाड़ियाँ बदल के आया हूँ मैं, इस वजह से मुझे देर लगी है यहाँ पर पहुँचने में। तो इंशाल्लाह आइंदा जब मंडी में आऊँगा इसमें तो इंशाल्लाह जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ये मंडी मुझे अच्छी लगी है क्योंकि इसके अंदर गाय भैंस कट्टू माल ये सब चीज़ें इधर हैं,
जुड्डो मंडी के अंदर सब चीज़ें नहीं है, यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी मंडी है ये, तो इसके अंदर मैं विज़िट किया करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं ये माल खड़ा हुआ है मेरे सामने, तो इनके ऑनर से मैं बात करता हूँ कि ये क्या मांग रहे हैं इसके कुत्ते के हिसाब से। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं कितने जानवर हैं अपने? तीन है। कौन कौन से? एक दो तीन। अच्छा इन दोनों जोड़ी का क्या मांग रहे हो? 45 जोड़ी का, 45 बड़े तो 27.5, ठीक है। और ये किसके हैं? चलो उसका सौदा चल रहा है। ये खड़े हैं, ये भी 5-6 खड़े हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं के किसके हैं ये? मेरे। क्या मांग रहे हो? पुट्ठे का 16,000 का पुट्ठा है भाई, ये 16,000 रुपये का पुट्ठा है, लेकिन ये इंशाल्लाह 8-9 के अंदर ये डन हो जाएगा। जब पुट्ठे के हिसाब से लेंगे 10 में डन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। और ये हैं तकरीबन 3-4 महीने तक के हैं ये। उम्र कैसे? चलो मैं आपको ये चैनल लिख के देता हूँ, तो हमारी वीडियो को हम यहीं पर जो है ना वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद दूसरी वीडियो बनाते हैं बकरियों के हवाले से। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी चंबड़ मंडी में हूँ, चंबड़ बकरा मंडी। तो यहाँ पर ये सारी बाखड़ी भैंसें आपको दिख रही हैं, सारी बाखड़ी भैंसें हैं। तो अभी इनकी अब अपडेट लेते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी आपको वीडियो कैसी लगी है ये वाली। तो अभी हम चलते हैं इस गाय की भैंस की तरफ, तो इसका रेट मालूम करते हैं चाचा से। चाचा अस्सलाम वालेकुम। सही बाखड़ी है बाकी तो नहीं है? नहीं नहीं। क्या मांग रहे हो? इसके 1.25। 1.25। कितना दूध दे रही है अभी? 2 किलो। 2 किलो दे रही है। कितने पेट पे आ गई है ये? ये दूसरे पेट पे। दूसरे पेट पे है? दूसरे पे आएगी? तीसरे पे आएगी। और कौन सी भैंस अपनी? सारी और दूसरों की है अपनी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, अपनी कौन सी है? ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी। नाम हुआ बाकी और भी हैं, पहले बाहर चल के मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अंदर आता हूँ। जैसे अस्सलाम वालेकुम। क्या मांग रहे हो इसका? 160। बच्चे के साथ? गाभा गाभी है? ओ पाडी है, ठीक है। कितना पेट होगा इसके? दूसरा पेट है। दूध कितना दे रही है? दूध इसका 5 किलो देती है टेम पर। टेम का 5 किलो है भाई? टाइम का 5 किलो बता रहा दूध। और ये भैंस है कितना मांग रहे हो? 1.25। 160। सॉरी 1.25 वो मांग रहा था, मैं भूल गया, रेट बहुत पता किए है ना तो भूल गया। नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हुसैन तबीयत सही है? मुल्ल चाय मुल्ल डुकिया डुकिया 3 महीना जी डुकिया 3 महीने की डुकिया है। 1.5 लाख रुपए घणो पेटा पेलो पेरियो पेटा पहला पेट है 3 महीने की डुकी है। हाँ भाई डुकी भी है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए मांग रहा है ये। और ये नस्ल है नीले रवि है या कुंदी है या कौन सी है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ ये भी साई डुकी है क्या? इसका बच्चा मर गया। ओहो 2 महीने गया ये बच्चा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूध है 8 किलो दूध है, 4 किलो टेमर दूध है। 2-2 किलो है? 4 किलो टेम पर दूध है इसका, यानी 4-4 किलो 8 किलो दूध है। 8 किलो दूध। क्या मांग रहे हो इसके? 1.25 मांग रहे हैं। और पेट कितना है इसका? तीसरा पेट है ये। तीसरा पेट है, बेहद अच्छी माशाल्लाह दूधारी भैंस है। सही है, बेहतर है माशाल्लाह। वो भी है, इसको तो टीके लगी हुई है, इसका भी पता कर लेता हूँ मैं इसके मालिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। किसका है ये? किसकी? क्या मांग रहे हो?
दो बीस उसके मांग रहे हो। हाँ रुकी है। हाँ कितने महीने की? पूरे महीने। पूरे महीने। कब करेगी अभी? तीन चार दिन निकालेगी। अच्छा कितना पेट होगा इसके? तीसरा पेट अभी आएगी। दूध कितना है इसका? तकरीबन 5 किलो टाइम का है। 5 किलो टाइम का एक टाइम। ठीक है। अच्छा चलो मुझे इधर आना लगा। ये भी है, ये बाकड़ी है, ये भी बाकड़ी है। मैं अपने हिसाब से देखूंगा जरा, बाकड़ी दूध वाली हो, खाली तो नहीं करूंगा ना। बाकी ये हैं भैंसे, मतलब चाचा चौधरी साहब वो बैठे हैं, शायद उनकी भैंसे हैं ये, तो इनकी मैं वीडियो बनाता हूँ। इनके भी ये नस्ल देख लें आप पहले, ये नस्ल है और ये वाली नस्ल है और उसके भी नस्ल दिख रही होगी आपको। भाई अस्सलाम वालेकुम, किसकी है? ये है भैंस, इसके पता नहीं क्या मांग रहे हैं। ये थोड़ी लंगड़ी हो गई है, पैर में लग गई है इसके। पानी आ रहा है। सही क्या मांग रहे हो इसे बताओ। चलो ये बताएंगे। चलो मैं उससे बात करता हूँ अभी। चलो भाई ये इस भाई साहब की है, ये वाली, तो इनसे रेट बता करता हूँ। इसका दूध भी 4 किलो टाइम का तकरीबन लग रहा है। साईं क्या मांग रहे हो इसके? उस्ताद इसके क्या मांग रहे हो? हाथ है? हाथ मुझे नहीं पता लगता ना, इधर बताओ। ठीक है। 7 किलो खीर है। 7 किलो खीर है। टाइम का या दिन का? दोनों टाइम। दोनों का। ठीक है। कितने पेट कर लिए इसने? दो है। दूसरा पेट है। ठीक है। ये मांग रहा है 2 लाख रुपए। बाहर निकलो। नहीं नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी बस। सही है भाई, नहीं चीज़ अच्छी है माशाल्लाह। बाकी और भी देखता हूँ मैं। ये भी है और ये वाली नस्ल है। अच्छा 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 देख ले। उस्ताद इसका क्या मांग रहे हो? इसका क्या मांग रहे हो? इसकी है। ये भाई साहब की। अस्सलाम वालेकुम, खुश हो साईं? इसका क्या मांग रहे हो? इसका पता नहीं किसकी यही है। पूछो चाचा। साईं थोड़ा साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं कितनी भैंसे लाए हो? 10 भैंसे। 10 भैंसे ये सारी अपनी है? हाँ जी। ठीक है, मुझे बताओगे ये नस्ल कौन सी है? और ये सिंध की नस्ल है। कौन सी? सिंध के अंदर भी घड़ी नस्ल है? नहीं ये सिंधी नस्ल अलग होती है, पंजाब वाली अलग होती है। सिंधी नस्ल है यानी? ठीक है। अच्छा इसके क्या मांग रहे हो? इस भैंस के 1.5 लाख। 1.5 लाख रूपये। मुझे सबके रेट बता दोगे एक एक करके? ये 1.5 लाख, ये गाय 1,40,000। सही है। और ये भैंस 1,00,000, 1,30,000। 1,20,000 रुकी क्या बने उसके? ये वाली। हाँ इसका क्या है? 2 लाख। 2 लाख इसके पर लीटर जो खड़ी है उसके 1,40,000। 1,40,000 इसके, इसके 2 लाख। बाकी जैनो तकरीबन ऐसे 1,40,000, 1,40,000, 1,30,000 ऐसे हैं। चलो ये रेट थे यहाँ के टनो नहीं चंबड़ मंडी के। बाकी देखते हैं अभी। ठीक है सर, अपना फ़ोन नंबर दोगे? 0305 3021 1137। ठीक है सर। साईं क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार भाई। ठीक है सर जी, बड़ी मेहरबानी। बाकी ये भी हैं, कहाँ भैंसे भैंसे ये भी माशाल्लाह, ये भैंस अच्छी है, वो तीनों ही अच्छी नजर आ रही है, अच्छी नस्ल है ये। चलो इसका इसकी है अपनी है
रुकी है तीनों? नहीं रुकी नहीं, खाली खाली खाली, खाली तो, बुदाया मगर तो क्या मांग रहे? दो लाख इसके और इसके 2.5 लाख इस वाले के 170। इसमें दूध कितना कितना होगा तकरीबन? ताकतवारी भैंस है। आप कोई कौन सी लेंगे? वीडियो बना रहे हैं ना? मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। बताते नहीं है दूध का? नहीं बताते, सब बता रहे थे और झूठ बोल रहे हो। कहाँ से आयो? हैदराबाद। क्या वीडियो बना रहा हूँ? हैदराबाद से आयो? कौन है, लतीफाबाद से या दूसरे से? नहीं जंगमोरी से आए हम। जंगमोरी किधर है? जंगमोरी नहीं पता आपको? नहीं, वो झेड़ोलाल से आगे जंगमोरी। अच्छा चलो सही। इसका 170 है, इसका 170 है, इसका पता नहीं कितना था, इसका 2 था। ठीक है भाई, इसकी सी है।